Hello everyone. Today I am Yash Bhandari, your host for the evening. And today we have R at the Hotel Sabai Mansingh. And today we have a renowned personality, Mr. PM Bhardwaj, founder president of Bhardwaj Foundation Jaipur. And today he is going to be discussing about how to be happy in life or habits of being a happy life. Sir. थैंक यू मिस्टर भंडारी, आपने मेरे से बहुत अच्छा टॉपिक मुझे दिया है बात करने के लिए। साथियों, आप जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो बचपन में बहुत खुश रहता है, जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो बाद में समाज के लोग उसके अंदर डालते हैं, और जब इम्प्योरिटी बढ़ती जाती है तो उसका जो प्लेजर है वो सैडनेस में बदलता जाता है। तो शुरू में जब बच्चा पैदा हुआ है, जब उसका बचपन है तो काफ़ी खुश रहता है, धीरे धीरे जो इम्प्योरिटी बाहर से डाली जा रही है उसकी वजह से वो सैड होता है, ये बात वेल एस्टेब्लिश है आप लोगों को मालूम। फिर भी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि लाइफ लॉन्ग हैप्पी रहते हैं, तो एक यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या उन लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या उन लोगों की लाइफ में कोई दुख नहीं है? तो मैं कहूँगा ऐसा तो नहीं, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, दुख हैं, लेकिन उन्होंने अपना माइंड सेट इस तरह किया हुआ है कि वो उसको इस तरह से लाइटली लेते हैं कि बहुत ज़्यादा असर अपनी हेल्थ पर या अपने जीवन पर नहीं आने देते और डट के समस्याओं का मुकाबला करते हैं कुछ और। तो अब सवाल ये आ गए कि यश, आपने मेरे से पूछा कि जो हैप्पी रहने के लिए कौन सी अच्छी क्वालिटीज या कौन सी हैबिट्स होनी चाहिए, तो सबसे पहली हैबिट जो मैं ज़रूरी समझता हूँ वो है कि आप लोगों में अच्छाई देखें, उनकी बुराई नहीं देखें। हर आदमी अगर आप देखेंगे उसमें अच्छाई भी होती है, उसमें बुराई भी होती है। मेरे में भी कुछ अच्छाई है कुछ बुराई है, यश में भी कुछ अच्छाई है कुछ बुराई है, लेकिन अगर हम बुराइयों को देखेंगे तो हम दुखी होंगे, और अगर हम अच्छाई देखेंगे तो जैसे मधुमक्खी होती है वो हर पेड़ के ऊपर जो फूलों के पेड़ हैं उनके ऊपर जाती है और उनका रस लेती है, उनकी बुराई नहीं देखती, उनके कांटों को भी देखती है। गुलाब के फूल पर गई, गुलाब का रस लिया, दूसरे फूल पर गई उसका रस लिया, तो सबका रस लेके जो चीज़ बनाती है यश, वो क्या चीज़ बनती है? शहद बनता है, जो कि दुनिया की बेहतरीन से चीज़ होती है, जिसके नाम से हनी मून भी कहा जाता है। हनी मून बोलते हैं तो सबसे ज़्यादा बेस्ट मानते हैं कि एक हनी जो है वो हनी मधुमक्खी, क्योंकि वो जो अच्छी अच्छी हैबिट्स हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं या अच्छे रस हैं उनको लेते हैं। ऐसे ही हमें अपने जीवन में जितने भी मिले हैं उनकी अच्छाइयों को हमें लेना चाहिए, उनकी बुराइयों की तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए। अगर बुराई देखनी है तो अपनी देखो और उसको दूर करो, और अच्छाई देखनी है तो दूसरे की देखो। ये सबसे पहली हैबिट जो खुश लोग रहते हैं उनके अंदर होती है। माफ करना दूसरी हैबिट, पहली हैबिट मैंने बोला अच्छाई देखो बुराई मत देखो, दूसरी हैबिट माफ़ करना और माफ़ी मांगना सीखो। ऐसा है कि ईगो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम जीवन में बहुत दुख उठाते हैं, तो ईगो बच्चे में नहीं होती। आपने बच्चों में नॉर्मली ईगो नहीं देखा होगा, जब वो पैदा होते हैं तो आपने देखा होगा हरदम उनका हंसता हुआ चेहरा रहता है, उनकी कोई शिकर नहीं होती, कोई उनको परेशानी नहीं होती, जो भी उनसे मिलते हैं उससे हंस के बात करते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं कौन है कौन नहीं है, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, हरदम खुश रहते हैं। लेकिन जैसे ईगो धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो ईगो की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। संत कवि उन्होंने कहा है, जो नवे सो आपको दूजियों को नवे ना कोई, गांधी तरह भी देख के नवे सो भारी हो। जो भी आदमी कोई झुकता है वो अपने लिए झुकता है, दूसरे के लिए नहीं झुकता। संत कबीर कह रहे हैं, इतने बड़े संत कह रहे हैं कि जो नवे सो आपको, या इसको दूसरे शब्दों में कहें जो झुके सो आपको, जो झुक रहा है अपने लिए झुक रहा है, दूजे को नवे ना कोई, वो दूसरे के लिए नहीं झुक रहा। गांधी तराजू देखिए, तराजू के दो पड़ने हैं बैलेंस, उसमें एक तरफ 10 किलो डालिए एक तरफ 5 किलो डालिए, कौन सा झुकेगा? 10 किलो। यानी भारी जो आदमी है वो झुकेगा, तो ये बहुत बड़ी चीज है। माफ करना ठीक है और माफी मांगना भी ठीक है, ये खुश रहना है तो आपको ही करना पड़ेगा। एक स्ट्रांग नेटवर्किंग आपकी होनी चाहिए रिलेटिव और फ्रेंड्स के, एक बहुत अच्छे लोगों की आप संगति करिए। कबीर फिंगर साधु की, कबीर कह रहे हैं तो जौ की भूसी खाए, खीर खंड भोजन मिले पर खतर संग ले जाए। कबीर कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहिए, अगर आप अच्छे लोगों के साथ होंगे आपका स्ट्रांग नेटवर्किंग होगा, चाहे वो दोस्त हो और चाहे वो रिलेटिव हो। ऐसा नेटवर्क हो कि रात को 3 बजे आप फोन करें तो 10 आदमी आके आपके पास खड़े हो जाएं, तो आप बताएं जो ऐसा कोई लकी व्यक्ति होगा जिसने अपना नेटवर्किंग इतना स्ट्रांग किया है, तो क्या उस व्यक्ति को कभी कोई दुख होगा? वो तो खुश रहेगा, उसे बताएं कि अगर मुझे कोई भी अगर ट्रबल आएगी
तो मेरे साथ इतने लोग खड़े होने वाले हैं। अब नेटवर्किंग कैसे बने, ये बहुत जरूरी है। नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए आपका जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उनकी बर्थडे विश करिए, उनको कहीं भी कोई ऐसा मौका आता है उनको विश करते रहिए, उनके उनको कोई दुख है उसमें जाके उनका साथ दीजिए, उनकी खुशी में शामिल होइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका एक स्ट्रॉन्ग जो नेटवर्क है वो आपका बनेगा, ये आपके लिए एक बहुत जरूरी है खुश रहने के लिए। अब एक ये है कि सबसे बड़ी बात है कि आप मन का काम करें या जो काम कर रहे हैं उसमें मन लगाएं, मन का काम करें या जो काम करें उसमें मन लगाएं। अब ये कर्म को क्यों हम इतनी प्रधानता दे रहे हैं, तो तुलसीदास जी यश आपको मैं बताना चाहूंगा कि पांच जो महान कवि हुए हैं उसमें से एक कवि तुलसीदास जी है, विश्व के पांच महान कवि में तुलसीदास जी हैं। तो तुलसीदास जी ने जो वो बोला है कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा जो जस किया सोई फलचा। तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म को प्रधानता दी है जिसने विश्व को बनाया, तो कर्म को प्रधानता है जो जैसा काम करता है उसको वैसा ही कर्म होता है। तो इसलिए और कबीर भी कह रहे हैं कि कबीर कमाई अपनी कभी ना निष्फल पर जाए, सात समुद्र आगे पड़े मिले अगाड़ी आए। कभी कह रहे हैं कि जो कर्म है वो आपको करने हैं, अब कर्म तो करना है, अब कर्म कैसे करने है उसके लिए गीता में लिखा हुआ है आपको कर्म कैसे करने है। कुछ सत्कर्म है कुछ दुष्कर्म है, दुष्कर्म मत करिए सत्कर्म करिए, लेकिन कर्म करने की विधि भी लिखी है। और मन लगा के जो भी काम आपका है उसमें यू शुड बी पैशनेट अबाउट योर वर्क, यू शुड हैव पैशन विद योर वर्क, या जो वर्क आपको दिया है उसके अंदर आपका इंटरेस्ट अपना क्रिएट करिए। तो ये एक जो है मन लगा के काम कराए ये बहुत जरूरी है। नेगेटिव थॉट्स देखिए, दिन भर जो आपके थॉट आते हैं वो करीब 60,000 थॉट आपके दिमाग में दिन भर में आते हैं, उसमें से ज़्यादातर जो थॉट होते हैं वो नेगेटिव होते हैं 60,000 में से। आप एक यहाँ बोर्ड लगाइए अपने दिमाग के ऊपर, नेगेटिविटी और नेगेटिव थॉट्स आर नॉट अलाउड, उनके अंदर घुसने ही मत दो। अगर नेगेटिविटी और नेगेटिव थॉट्स को आप अगर अपने दिमाग में घुसने देंगे तो आपका जीवन बहुत ही दुखी हो जाएगा। अगर सुखी रहना है तो नेगेटिव थॉट्स को किसी भी हालत में अपने अंदर आप मत आने दीजिए। जो काम कर रहे हैं उसको बड़े उद्देश्य से जोड़ो। कुछ जो मजदूर थे, तीन मजदूरों से किसी आदमी ने बात की आप क्या कर रहे हैं, इतने काम में ईंट ढो रहा हूँ, ईंटों को का बोझ उठा रहा हूँ। दूसरा कहता है मैं बच्चों को पालने के लिए इतना मजदूरी कर रहा हूँ। तीसरा कहता है मैं दुनिया का भव्य मंदिर बना रहा हूँ। तो उसने अपना जब वो मंदिर बनाना और वो सोचा दुनिया का एक भव्य मंदिर बना रहा हूँ, तो उसकी जो मेंटल माइंड सेट था वो सबसे ज़्यादा अलग तरह से उसने सेट किया और उसको अपना काम करने में बहुत ज़्यादा प्लेजर मिल रहा था। तो कभी भी कोई काम करें तो उसके लिए आप ये मानें कि उसको बड़े उद्देश्य से आप जुड़ें, ये बहुत जरूरी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें, ये नहीं कि कोई भी फेलियर हुआ उसके लिए आपने कहा भाई दूसरे आदमी के लिए बोल दिया कि इसकी वजह से फेलियर हुआ, ऐसा नहीं करना है अपन को। अगर कोई भी फेलियर है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेनी चाहिए। देखिए दूसरे के ऊपर अगर आप डालेंगे कि ये फेलियर हुआ है तो एक्चुअली शर्मा जी साथ में जैसा कि मैं आपको बता रहा था रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें। अगर कोई फेलियर भी हो रहा है तो उस फेलियर के केस में रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर रहे बजाय इसके कि आप दूसरे के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं। देखिए इसके पीछे क्या रहस्य, अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लें? अगर आप अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो अपने आप में इम्प्रूवमेंट करेंगे, और अगर दूसरे की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप फिक्स करने की कोशिश करेंगे तो आपके मन में निराशा होगी, आप दुखी होंगे और आपका खुद का इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, क्योंकि आपने देखा ये फेलियर हुआ उसको आपने दूसरे के ऊपर डाल दिया तो आपने इम्प्रूवमेंट कैसे होगा। तो इसलिए अगर कभी ऐसा होता है तो फेलियर का सामना करना पड़ता है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद में उसके रीजंस को आप एनालिसिस करें, और रीजन को एनालिसिस करने के बाद अपने आप में इम्प्रूवमेंट करें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। एक और है कि अपने खुद के अंदर जो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस इन द सेल्फ, अपने ऊपर पूरा विश्वास रखें। लोग बहुत दुखी होते हैं अपनी क्षमताओं का उन्हें पता नहीं होता, आपको भगवान ने ऐसी भी क्षमताएं दी हुई हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आपके अंदर हैं, तो आप उन पावर्स के ऊपर विश्वास करिए। और संत कबीर ने कहा है कर बल भैया अपनी छोड़ बिरानी आस, जिसके आंगन नदियां भरे सूखती मरे प्यास। संत कबीर कह रहे हैं कि अपनी भुजाओं के ऊपर भरोसा रखो, दूसरे की उम्मीद छोड़ दो, दूसरा कोई आपको हेल्प करने नहीं आएगा। और अगर आपके खुद के आंगन में नदी बह रही है और आप प्यासे मर रहे हैं तो इसमें गलती किसकी है, ठीक है अपनी। और अपने देश के अंदर तो गंगा यमुना बह रही है, सरस्वती बह रही है, नर्मदा बह रही है, तो जहाँ ऐसा एक हमारा देश है तो हमारे देश में तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हिमालय भी है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात भी है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे देश के अंदर हम लोग काम करें,
हर तरह के रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स बहुत सारे हमारे देश में, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हैव कॉन्फिडेंस, ये लास्ट पॉइंट में नवा पॉइंट आपको बता रहा हूँ, हैव कॉन्फिडेंस इन द साइड एंड भगवान के ऊपर भी आप पूरा भरोसा रखें। देखिए जब आप किसी बड़े आदमी के साथ होते हैं, सपोज आप अपने फादर के साथ हैं तो आपको कोई चिंता नहीं रहती, कहते हैं फादर मेरे साथ है, ग्रैंड फादर के साथ हैं और भी चिंता कम हो जाती है। अब अगर भगवान जो भी सबका फादर है, ग्रैंड 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 पॉप इज द गॉड, अगर आप भगवान के साथ हैं, आप मानते हैं भगवान मेरे साथ है तो आपको चिंता नहीं रहेगी ना, तो उस केस में आप सुखी रहेंगे। तो सुखी रहने के जो मैंने आपको ये 9 पॉइंट दिए हैं, वो 9 पॉइंट बहुत जरूरी हैं। एक बार फिर मैं आपके लिए, आपके फायदे के लिए 9 पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ कि जस्ट हेडिंग बोल रहा हूँ। तो इन 9 पॉइंट को आप ध्यान रखें, दूसरों की अच्छाई देखें, उनकी बुराई नहीं देखें। जैसे मधुमक्खी दूसरों का फूल के अंदर से रस लेके आती है, उसकी बुराई नहीं देखें। माफ करना और माफ़ी मांगना सीखें। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाए रिलेटिव और फ्रेंड्स का, जो कि जब भी आप बुलाएं आपके पास खड़े हों, तो उससे आपको आप दुखी नहीं रहेंगे, आप सुखी रहेंगे। मन पसंद काम करें या जो काम कर रहे हैं उसको मन पसंद बनाएं, ये आपके लिए जरूरी। नेगेटिव थॉट्स को नहीं दिमाग में आने दें। और इसके अलावा जीवन में जो भी आप काम कर रहे हैं उसका उद्देश्य, बड़े उद्देश्य से उसको जोड़ के रखें। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें। इसके अलावा अपने आप में विश्वास रखें। और लास्ट पॉइंट है भगवान में विश्वास रखें। यश, मेरा ये कहना है, मैं गारंटी लेता हूँ, अगर इन पॉइंट का आप रिलीजियस फ्रेम अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आप ये मान के चलें कि लाइफ में आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। और मैं भी चाहता हूँ क्योंकि इंडिया को सुपर पावर बनना है और हमारा भारत फाउंडेशन का तो विजन है कि इंडिया सुपर पावर बने, और बनेगा भी, क्योंकि हमारी मोर देन 50% पॉपुलेशन यंगस्टर्स की है और उनमें ट्रिमेंडस एनर्जी है। तो ऐसे यंगस्टर अगर वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, कुछ कैसे रहना है, अगर ये इम्पोर्टेंट मुद्दा उनके समझ में आ जाएगा, खुश रहेंगे, काम करेंगे, तो पक्का है कि हमारा देश बहुत तरक्की करेगा और इंडिया सुपर पावर बनेगा। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने देखा कि मैंने इसकी अच्छी तरीके से बताया है कि हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ, सुखी जीवन जीने के कितने अच्छे तरीके हो सकते हैं। तो अभी अगले वीडियो के लिए इंतजार रखिए, अगले वीडियो कुछ ही दिनों में आएंगे।